गाइस गुड मॉर्निंग हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो आज है करवा चौथ और आज है वेंसडे 1 नवंबर का दिन और बस मैं देखिए रेडी हो चुकी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने पूजा भी कर ली है। मॉर्निंग की पूजा करते हैं वो एकदम नॉर्मल होती है, बट जो इवनिंग में हम पूजा करेंगे वो अच्छे से पूरी विधि विधान से जो पूजा होती है करवा चौथ की वो मैं करूँगी और तब मैं अच्छे से रेडी भी होंगी और आपको अपना गेटअप भी दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ये सिंपल सा एक सूट पहना हुआ है रेड कलर का, क्योंकि कहा जाता है करवा चौथ के दिन मैक्सिमम रेड ही पहनना चाहिए हमें। और ये देखिए मैंने जो नवरात्रि में चूड़ियाँ चढ़ाई थी वो मैंने पहन ली है। और हाँ, मेरी मेहंदी जो मैं आपको कल दिखा रही थी, मेहंदी देखिए ऐसे रच गई है मेरी। अभी नेल पेंट मैंने नहीं लगाए हैं, वो थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना शाम के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि करवा चौथ के दिन जो फरे होते हैं, फरे चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चावल के फरे होते हैं, तो वो मैं बनाऊंगी, वो चढ़ाना है पूजा के लिए। तो गाइस मैं यहाँ बना रही हूँ फरे और ये मेरा लास्ट है आज का खाना बनाना प्रसाद है ये। और ये देखिए इस तरह से चावल को मैंने सारा खाना बना लिया है। और क्या है ना कि प्यास लग जाती है कि आप जितनी देर खाना बनाते रहो पता तो नहीं चलता, लेकिन खाना के बाद लगता है कि मैं प्यास लगी। मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं यहाँ जा रही हूँ नेल पेंट लगाने और अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मैंने पैरों में आलता लगा लिया है, बस अब नेल पेंट लगाऊंगी और फिर रेडी होंगी। और शाम हो गई है और अब पूजा करने का टाइम बहुत ही करीब आ गया है। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो गया हूँ और रुचिका भी रेडी हो गई है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज की क्वीन से बस थोड़ी देर में। गाइस तो ये है मेरा आज का लुक और आप तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। और ये लहंगा मेरा ओल्ड है लेकिन मुझे बहुत पसंद है अपना ये लहंगा, तो मैंने देखिए इस तरह से इसको कैरी किया है आज और मेरा लुक है आज का वो ठीक थी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पूजा करने और पूजा का टाइम भी हो रहा है क्योंकि जल्दी से पूजा करेंगे तभी तो चांद का दर्शन करेंगे और मुझे बहुत देर प्यास लगी है अब नहीं रहा जा। यहाँ पे रेडी कर रही हूँ भगवान जी को, ये मेरे कान्हा जी हैं। अभी मैं मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली पूजा की तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है पूजा से, तो बस अभी वही कर रही हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी से कर रही हूँ कि चंद्र मामा निकलने वाले हैं। अनु क्या कर रहे थे आप?
अनु रूम में आया तो पूरा कंसंट्रेशन से स्वीट्स पे है। अभी नहीं खाना। चलिए प्रिपरेशन हो गई कंप्लीट, अब होगी पूजा पूजा पूजा। तो नया टास्क मिला घी पिघला के देने का। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करवा चौथ कथा। तो रुचिका जी कथा सुनाएंगी और हम लोग बैठ के सुनेंगे। नहीं, थोड़ा सा वो उसको को छोटा क्या कर रहे हो? हम लोग बैठे हैं। लॉट ऑफ फेस्टिवल। चलो जय करवा माता। जय करवा माता। जय करवा माता। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई यहाँ की मंदिर की। और अब चांद भगवान जी निकल गए हैं तो बस हम बाहर जाके दर्शन करेंगे और बाहर की पूजा भी संपन्न करेंगे। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ चंदा मामा के दर्शन करने। गाइस आप देखिए इस तरह से मैंने यहाँ अपनी बालकनी से ही चंद्र भगवान के दर्शन कर लिए। पहले हम इस घर में रहते थे, एक्चुअली वहाँ पे बालकनी से नहीं कर पाते थे, वो हम उसके लिए छत पे जाना पड़ता था। बट यहाँ पे अच्छा है कि हम अपने घर से ही चंद्र भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। और बस इस तरह से अभी रगनेश गए पानी लेने मेरे लिए और फाइनली मैं पानी पीऊँगी। वाह इतना अच्छा लग रहा है। और पता नहीं लिटरली भूख तो एक बूंद भी नहीं लगी है मुझे, बट इतना प्यास लग रहा है, इतना लग रहा है अब पानी मिलेगा और जान में जान आएगी। आजकल के वैसे भूख प्यास लग जाती है। पानी आ गया है। ओके इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। और बहुत ही अच्छा चांद निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शायद मैं अभी बहुत पानी पीऊंगी पहले तो फिर चाय में पीऊंगी। तो इस तरह से हमारे पूजा कैच बहुत अच्छे से हुई।
हमारी पूजा बाहर की हो चुकी है चंद्र भगवान की, और बस अब लग रहा है कि हाँ सब कंप्लीट हो गया है। अब बस हम लोग खाना खाएंगे, और जो मैंने खाना अच्छा अच्छा बनाया है यमी, और बस अब चाय वाय पियेंगे क्योंकि अब मुझे भी फील हो रहा है कि कुछ चाय वाय पी जाए। और अब बनाएंगे रत्नेश मेरे लिए चाय, जैसा कि वो हर साल बनाते हैं। फ्रेंड्स आज हम फंस चुके हैं, रुचिका जी के लिए चाय बना रहे हैं, चलिए दिखाएं। ये देखिए शानदार चाय बना रहे हैं, ये देखिए क्या शानदार। और ये देखिए मैंने फैंटास्टिक चाय बना दी, और ये तो फरा अभी चढ़ाया है, चढ़ाने के लिए बनाया था। और कैसा लग रहा है, व्रत चल रहा कि टूट गया कि व्रत कंप्लीट हो गया क्या? ओवर हो गया, ओवर हो गया। सही बात है, और मैंने तो ड्रेस भी चेंज कर लिया भाई, बहुत मुश्किल था एथनिक कपड़ा पहनना। और हनुमान मास्टर क्या करना है? गुलाब खाना। गुलाब कैसा है ये? How it is taste? कैसा लग रहा है? बैठो। तो आज मैंने करवा चौथ में ये सब खाना बनाया है, और ये देखिए ये बनाया मैंने मटर पनीर, और यहाँ मैंने बनाई ये कढ़ी। ये बहुत मस्त होती है बननी करवा चौथ में हमारे यहाँ, कढ़ी और फरे हमारे यहाँ मस्त होते हैं बनने, और साथ में बनना तो सभी होता है, कच्चा पक्का खाना दोनों बनना होता है। और यहाँ पे बनना है खीर, फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले क्योंकि हम को पसंद नहीं है। और ये मैंने कुछ कढ़ी के जो बढ़िया होती है वो निकाल ली है पकौड़ी। और यहाँ मैंने बनाई है आलू गोभी की सूखी सब्जी ड्राई वेज, और यह है साग पालक का साग। तो इतना, और पूरी मैंने अभी पूरी बनाई है और पुलाव बनाया है बस, और फले बनाए थे। तो करवा चौथ इतना आइटम तो हर साल बनता है, बाकी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो दो तीन आइटम जो फरे और कढ़ी है वो तो मस्त होता है, बाकी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी टाइम हो गया है डिनर का, हनु खा के सो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। अब लग रहा है बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो चुकी है, और कल जल्दी उठना भी है। आज का दिन कैसा लगा आप बताओ, तुम्हें फ्री होके कैसा लगा आज का दिन? फ्री होके मतलब हम तो कुछ काम नहीं किए ना, क्यों हम तो ऑफिस का अपना काम है, मतलब मेरे घर का काम नहीं किए, कि घर का भी काम किए थोड़ा थोड़ा, फूल ले आए, फ्रूट्स लाए और स्वीट्स लाए। ओके, और गिफ्ट का क्या, गिफ्ट नहीं लाए? गिफ्ट का करवा चौथ का गिफ्ट करना चाहिए, हम ऑफिस नहीं गए घर से काम किए, भी गिफ्ट ही है ना। अब बोलो तो 2 साल से कर रहा हूँ, वो गॉड गिफ्टेड हो गया है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, हमको जाना था, हम गए। गाइस आपको आज के दिन में कुछ भी अच्छा लगा हो कोई भी पार्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया, जो भी लेडीज मुझे देख रही हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोग कहाँ कहाँ करवा चौथ मना रहे हैं, आपके यहाँ चांद कितने बजे निकला, आपके यहाँ कितने बजे निकला, हमारे यहाँ पता नहीं कब निकला था, हम बाहर गए तो चांद निकल चुका है, पूजा में लेट बाहर गए तो चांद वेट कर रहा था आई आई। और गाइस आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा आज का, मेरा जो आउटफिट है वो आपको कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। और मैंने अपना हेयर स्टाइल खुद ही बनाया है, मेकअप भी खुद ही किया है। ओके गाइस, तो हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, थैंक यू सो मच, आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ। हां आप सबको विश यू वेरी हैप्पी करवा चौथ, वैसे तो अब ओवर हो चुका है, और गिफ्ट का गिफ्ट एक दिन पहले हो गया चल पहुंच जाएगा। क्या है ओके वेट एंड मोर, तो आई विल वेट फॉर टुमारो फॉर माय प्रीशियस गिफ्ट। तो चलिए गाइस करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।